गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको साल 2023 में पड़ने वाले प्रथम सूर्य ग्रहण के विषय में पूरी जानकारी देंगे और खास तौर से हम उन महिलाओं को जानकारी देंगे जो गर्भवती हैं और अपने गर्भ में पलने वाले संतान की कैसे सुरक्षा कर सकती, इसके विषय में हम जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज 20 अप्रैल गुरुवार 2023 कृष्ण पक्ष वैशाख मास अमावस्या तिथि श्री शुभ संवत 2080, ये जो है ग्रहण खंड ग्रास ग्रहण सूर्य ग्रहण का योग है। आज भारतीय समय से ग्रहण का स्पर्श 8:07 से होगा, यानी प्रातः 8:07 से ग्रहण का स्पर्श होगा। मोक्ष दिन में 11:27 पर हो जाएगा। यह ग्रहण इंडियन ओशियन, उत्तरी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि में दिखाई देगा, परंतु यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए यहाँ के वैदिक विद्वानों ने ग्रहण से संबंधित वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्य, कर्म, यम नियम को मान्य नहीं किया, परंतु तांत्रिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार बर्फबारी कश्मीर में होती है, पहाड़ों पर होती है, लेकिन उसकी बर्फीली हवा मैदानी इलाकों में बहुत दूर तक जाती है, इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में पड़ता है। इसी तरह ग्रहण चाहे जहां पड़े, चाहे भूखंड के जिस खंड पर पड़े, पर उसका असर पूरी पृथ्वी पर ही होता है। हमारे तांत्रिक भाइयों, गुरु की आज्ञा लेकर आप अपनी साधना को और तेजस्वी बना सकते हैं। हमारे हाथ का बना हुआ ताबीज अथवा गंडा जिसके पास हो, हुए ग्रहण काल में तुलसी दल और कुश में लपेट कर घर के मंदिर में अपने उस ताबीज गंडा को रख दें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद लाल ताबीज को धूप बत्ती का धुआं दिखाकर धारण कर लें तथा जिन लोगों के पास मेरे हाथ की बनी हुई काली ताबीज है, वो तो लोग लोहबान का धुआं दिखाकर ताबीज धारण कर लें। अब गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानी हम बताने जा रहे हैं। जो बुद्धिमान गर्भवती महिलाएं हमारी बात को जरूर सुने, चाकू कैंची से किसी चीज को ग्रहण काल में काटिए नहीं और न किसी सूजे वगैरह से किसी चीज में छेद करिए। तीसरी बात, किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई मत करें ग्रहण काल के टाइम पर। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में कुछ खाएं पिए भी नहीं तथा इन्हें सोने से भी बचना चाहिए। अगली बात, गर्भवती महिलाएं इस मौके पर घर से बाहर न निकलें, अपने घर पर ही देवी देवताओं की पूजा करें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र की जप करें। गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गर्भ की सुरक्षा के लिए
गेरुआ लगा लें। जो भी उपाय आपके क्षेत्र में प्रचलित है, जिन भी उपाय पर आपका भरोसा है, वो उपाय निसंकोच करिए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इन उपायों से माता रानी आपके गर्भ की सुरक्षा अवश्य करेंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की दवा आप पर काम नहीं कर रही है, तो आप हमें सहायता शुल्क दीजिए, ज़्यादा नहीं मात्र 251 रुपये, और हम मोबाइल पर ही आपकी समस्या का समाधान देंगे। जय माता की।